दूसरी जानब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि लाहौर का शो शहबाज शरीफ की नाकामी है, इंतजामिया पर मलबा ना डालें। शरीफ खानदान इक्तदार के नशे में था, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजरिम को जेल भिजवा कर क्या गलत किया। नवाज शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ का तकबर जमीन बोस होने वाला है। आपको खबर दे रहे हैं चौधरी परवेज इलाही का ऐसा कहना है कि लाहौर का शो जो था वो शहबाज शरीफ की नाकामी है, जिसका मलबा वो इंतजामिया पर हरगिज ना डाले। खबर आपको देंगे जैसे जैसे उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी है। सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज शफकत इमरान से। शफकत आगाह कीजिएगा। जिस तरह आप जानते हैं कि इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहिल में और रोजाना की बुनियाद पर हमने गुजरांवाला के जो कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं, जो बराह रास्त जो है वो पार्टी उम्मीदवार हैं, उनसे आपको मिलवाते थे। आज हम आपको एक ऐसे उम्मीदवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसका तल्लक सूबाई निशिस्त से आजाद उम्मीदवार है। यहाँ पर अपनी हैसियत से ही खुद अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे इलाकों से कूड़ा उठाना शुरू किया। ये जो कूड़ा उठाने की मुहिम शुरू की है, हो सकता है आपको ये लोग वोट ना दें इसकी वजह से फिर? जी, ये हम अल्लाह की राह के लिए, नेकी के लिए अपनी खिदमत समझ के कर रहे हैं, ये वोटों के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे। आप पैसे की बेदरे इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा जो है वो बहा रहे हैं हल्के में, लोगों का कहना है? जी बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। हम साथियों से इलेक्शन लड़े हैं, पैसे से बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़े। अच्छा जी, आपने उम्मीदवार की बात सुनी, ये उम्मीदवार जो है वो इस हल्के में बिल्कुल कम उम्र है, 25 साल इनकी उम्र है, देखते हैं क्या होता है। इन्होंने जो इन पर इल्जाम आ रहे हैं कि वोट खरीदने की बात हो रही है, उस पर भी उन्होंने इनकार किया, लेकिन आवाम की खिदमत जारी रहेगी। लोगों का जो ये कचरा उठाने की जो मुहिम शुरू की है, उनका कहना है वो अपने हलके में इसी तरह जारी रखेंगे।